हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, होलसेल प्राइसेस रिमेन इन डिफ्लेशन जोन इन अक्टूबर। तो अक्टूबर में भी डिफ्लेशन जोन में होलसेल प्राइसेस रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। इंडियाज होलसेल प्राइसेस रिमेन इन डिफ्लेशनरी मोड फॉर द सेवेंथ मंथ इन अ रो। तो ये सेवेंथ मंथ है जहाँ पे लगातार ये डिफ्लेशन मोड में रहे हैं इन अक्टूबर, विद द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI रिफ्लेक्टिंग एन इन्फ्लेशन ऑफ -0.52% फ्रॉम -0.26% इन सेप्टेम्बर। तो यहाँ पे देखिए डिफ्लेशन बढ़ा है, नेगेटिव में वैल्यू जो है एब्सोल्यूट वैल्यू वो बढ़ी है। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन स्टूड एट 8.4% इन अक्टूबर 2022, क्रिएटिंग अ हाई बेस इफेक्ट फॉर लास्ट मंथ्स इंडेक्स। ऑन मंथ बेसिस द WPI वॉज अप 0.4% इन अक्टूबर। द होलसेल फूड इंडेक्स वॉज अप 1.04% इन अक्टूबर कंपेयर टू लास्ट ईयर, विथ फूड प्राइजेस अप 1% सिक्वेंशनली फ्रॉम सेप्टेम्बर लेवल एज वेल। बट द ट्रेंड्स विद इन द फूड ब्रैकेट वर डाइवर्जेंट एंड रनवे प्राइजेस ऑफ सम आइटम्स लाइक ओनियंस पल्सेस पोज रिस्क टू अ रिटेल इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी। While vegetable prices dropped 21%, inflation in paddy and cereals accelerated to 7.5% and 9.4% respectively, and pulses and onion inflation jumped to 19.4% to and 62.6%। ये किसका है? ऑनियन का ये हो गया या आपके पल्सेस का हो गया respectively। Fruit inflation picked up 6.3% while milk inflation is 7.9%। Manufactured products prices were unchanged from September levels। Fuel and power prices rose to 0.65% from September levels, but were 2.5% below last year levels। तो September ये month on month basis पे और ये year on year basis पे तो कम हुआ है पिछले साल के October के comparison में, पर इस साल के September के comparison में बढ़ा है। Crude petroleum and natural gas inflation stood at -2.2% in October। The negative rate of inflation in October 2023 is primarily due to fall in prices of chemical and chemical products, electricity, textile, basic metals, food products, paper and paper products, etc. As compared to corresponding months of previous year, the Commerce and Industry Ministry said the uptrend in domestic price of most food items as well as an unfavorable base is projected to lead to a turnaround in the WPI to a marginal 0.1% inflation in November, said Aditi Nair, chief economist at ICAR। तो ये आर्टिकल हमने देखा, अब देखते हैं एक बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए मंथ ऑन मंथ बेसिस क्या होता है और ईयर ऑन ईयर बेसिस क्या होता है। अब देखो 2023, इसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में है, और इसमें भी आप देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में है। ठीक है, मंथ ऑन मंथ बेसिस होगा। अगर मैं बोलूँ मंथ ऑन मंथ बेसिस, तो फरवरी का कंपेयर होगा मार्च से 2023 के, 2023 से ही। पर ईयर ऑन ईयर बेसिस का देखूंगा तो मार्च का कंपेयर होगा 2022 के मार्च से। ये तो पहली बात, ये दोनों चीज़ होगी। ठीक है, उसके बाद WPI CPI ये क्या है ये हमें पता होना चाहिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सारी बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए। और अगर बढ़ रहा है, इस आर्टिकल में हम अगर देखें कि बढ़ रहा है घट रहा है, तो नेगेटिव रेट क्यों है। आप देखिए, सिंपल सी बात दिया है, ड्यू टू फॉल इन प्राइजेस ऑफ केमिकल केमिकल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, बेसिक मेटल, फूड प्रोडक्ट्स, पेपर पेपर प्रोडक्ट्स, इसके वजह से ये सारी प्राइजेस कम हुई हैं। आप देखिए, फ्यूल बढ़ा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, घटा है आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो आप समझ पा रहे होंगे पिछले साल के अक्टूबर के कंपैरिजन में इस साल के अक्टूबर में घटा है, पर इस साल के सितंबर के कंपैरिजन में इस साल के अक्टूबर में बढ़ा है। तो यही चीज़ें थी इसमें समझने लायक। ये नंबर हमें किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं रखते, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। क्यों बढ़ रहा है, कौन सा मिनिस्ट्री है, आप देखिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, ये हमारे लिए एक दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और तो सेवेंथ मंथ इन अ रो, अभी लगातार 7 महीने से गिर रही हैं चीज़ें, डिफ्लेशन मोड में चल रहा है। हाँ, एक इन्फ्लेशन
और डिफ्लेशन, और एक होता है डिसफ्लेशन। इन्फ्लेशन जब प्राइजेस राइज हो, डिफ्लेशन मतलब प्राइजेस घटे, कल 100 रुपये का था तो आज 90 रुपये का है। डिसफ्लेशन होता है कि प्राइजेस बहुत धीरे वो बढ़ रहे हैं, जैसे 100 से पहले 110 होता था, पर अब क्या हो रहा है 100 से आप देखिए 100 आपका 5 हो रहा है, तो बढ़ अच्छे से नहीं रहा है, बहुत धीरे बढ़ रहा है, पर डिफ्लेशन होता है आपके प्राइजेस उल्टा कम हो रहे हैं। तो डिफ्लेशन हमारे लिए सही है कि नहीं आप बताइए। आज आप एक आईफोन खरीद रहे हैं 1.5 लाख का, 1,50,000 का, और कल वो आपको पता है आईफोन का रेट गिर जाएगा, हो जाएगा 1,20,000 का, तो आप क्या इसको खरीदेंगे आज? नहीं, तो आप इसको पोस्टपोन करेंगे। तो किसी भी चीज़ का अगर डिफ्लेशन हो रहा है तो लोग उसको बोलेंगे कल खरीदेंगे क्योंकि कल दाम और गिर जाएगा, कल बोलेंगे परसों खरीदेंगे क्योंकि दाम और गिर जाएगा। तो ये कारण है, तो इस वजह से कंज्यूमर जो होता है चीज़ों को पोस्टपोन करता है। तो जो कंज्यूमरिज्म है, जो जीडीपी है, हो सकती है उससे उसके ऊपर इससे इफेक्ट पड़े। तो ये चीज़ है आपका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और डिसफ्लेशन के बीच में अंतर। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।